जय जिनेन्द्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। देखते हैं आज के समाचार। जहां आज की नौजवान पीढ़ी नशे के दलदल में फंसकर बर्बाद हो रही है, वहीं आज भी पंजाब में कुछ ऐसे नौजवान हैं जो नशे के दलदल से दूर रहकर खेलों की तरफ ध्यान देकर पंजाब का नाम रोशन कर रहे हैं। इसकी ताजा मिसाल जिला गुरदासपुर के गांव उमरवाला में देखने को मिली, जहां का नौजवान कुंवर अमृतबीर सिंह, जो सिर्फ 18 साल की आयु में खेलों की दुनिया में बड़ी उपलब्धि हासिल करके अपने पूरे इलाके का नाम रोशन कर रहा है। मेरा नाम है कुंवर अमृतबीर सिंह, मैं 18 साल का हाँ, तो मैं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर एक छोटे जे पिंड उमरवाला तो हाँ। तो मैं दो बार वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हाँ, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया। जोड़ा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर आ, वो रिकॉर्ड से मेरा 30 सैकेंडा 35 सुपरमैन पुशअप का। तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया आ, उसका रिकॉर्ड है 1 मिनट 118 नकल पुशअप। तो इस चीज़ में लैके नाल दी नाल मैं फिटनेस इन्फ्यूसर हाँ, सोशल मीडिया फिटनेस इन्फ्यूसर, अपने सोशल मीडिया तो वधिया तरह मतलब कि एक्टिव रह रहे हैं डे बाय डे। तो वधिया मैनू फॉलोइंग मिल रही है, हुण यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया या स्नैपचैट कह लो तुसीं। तो कई अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से वेरीफाइड हाँ मैं। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स से अमृत उमर वाला मेरा यूजर नेम आ। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं हुण करमवीर चक्र अवार्ड लई नॉमिनेट होया मेरा। तो पंजाब का यंग पहला बॉय आ जिन्हें मतलब कि नॉमिनेट किया नैशनल अवार्ड वास्ते, करमवीर चक्र अवार्ड वास्ते। तो अगे मैं एक यूथ आइकन बनना चाहना, यंग यूथ आइकन फ्रॉम पंजाब, तो इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड ही अपना नाम नोमिनेट करवाना चाहना वा। तो मैं चाहना कि 19-20 साल की उम्र ही अपना नाम जो नोमिनेट करवा सकूँ। कुंवर अमृतबीर सिंह जिस दिन यदा NDA का टेस्ट ही ये घरों चल गया जवान, तो मेरे मन में बहुत दुख लगा कि आप NDA दे विच NDA करवा के इनू आर्मी का अफसर बनावा चाहते हैं, पर यह जवान घरों फरार हो गया। बड़ा दुख लगा। बाद इन्हें 1 मिनट के 118 नकल पुशअप ला के तो सानू विखाए, बड़ी खुशी हुई। हूँ भी बहुत खुशी है कि हूँ भी ये हिंदुस्तान देश की सेवा कर रहा, तो करता रहे, साडा ये नाल साथ पूरा पूरा आशीर्वाद नाल। गुरदासपुर सतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। इसी के विरोध में गांव पक्की टिब्बी के किसान महिमा सिंह ने अपनी 3 एकड़ की गेहूं के फसल के खेत को जोतकर केंद्र सरकार के विरोध संघर्ष का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, यह तो सिर्फ मोदी को ट्रेलर दिखाया है और अगर जरूरत पड़ी तो पूरी फिल्म भी दिखा देंगे। किसान महिमा ने कहा कि अपने हाथों से बोई हुई फसल को अपने ही हाथों से बर्बाद करना बहुत ही मुश्किल का काम है, लेकिन इन काले कानूनों के खिलाफ रोष प्रदर्शन करने के लिए उन्हें मजबूरी वश ऐसा करना पड़ा। मेरा नाम है रखबीर सिंह संधू, पिंड पक्की टिब्बी, जिहड़ी आ कणक वाह रहे हैं, काले कानून वास्ते वाह रहे हैं। एक मैसेज दे रहे हैं साडियां जहेबंदियां दा सीगा भी इन्हां नूं मोदी साहब होरां नूं जगाओ, जिवें भी जागया जगाया जांदा है वो मैसेज अं करके वाह रहे हैं जी जहेबंदियां के कहने पर। नहीं सही तो नहीं जी, पुत्तां वांगू पाली आ, 4 महीने हो गए आ, पर 6 महीने हो गए सानूं धरना ते बैठा नूं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। दो ही दिमाग चलते पे आ, अमित शाह ते मोदी, इन्हों जगाने वास्ते मैसेज लाया जी। अभी नहीं ना हो तो फिर गर्मी दियाँ भी तैयारियां खिंच रहे हैं, ठीक ने, कूलर पक्षियों का इंतजाम कर रहे हैं। साड़ियाँ ट्रालियाँ उत्थे आ, बंदे साढ़े उत्थे आ, 10 जा रहे, 10 आ रहे हैं, ठीक ने। ये लम्मा चलो जिन्ना भी चलूगा अंदोलन चलावे, बाकी अन्न पानी भी चाहिए सानू, ठीक ने जी, बाकी अखा के सामभ के भी। ये तो एक मैसेज आ, साड़ियाँ मंगा मनिया जा, जो अं काले कानून जिमीदार ले ही नहीं रहे, क्यों थापे जा रहे हैं कारपोरेट घराने वास्ते कर रहे हैं। मोदी साहब रोज़ दी रोज़ डीजल चुकी जा रहा, रोज़ दी रोज़ पेट्रोल चुकी जा रहा, ठीक है। मजदूर कितने जाऊगा, आम गरीब सब्जी तो भी तंग आ, ठीक है। इस करके मैसेज साडा है बनता है, वो मैसेज दिता ही मैंने जी झूठा ना। सरकार नहीं चलदी होंदिया, सरकार लोगों दी चुनिया, लोकतंत्र की सरकार है, तो लोगों आके आपका लोग प्रदर्शन कर अंदोलन कर, पर वो समझ नहीं रहे दो जने। इस करके उन्होंने चाहिए साढ़े कानून वापस किए जा। 2021 भोग रहे हैं, जो साढ़े बच्चे मैसेज तो जाऊगा ना भी जिमीदारा ने कुर्बानियां कीतियां आपकी जमीन जमीना खातर, नहीं।
असी रोज़ कर रहे हैं इस गौरमेंट अगर प्रगट कि साड़ी आवाज़ सुनी जाए जिहड़े काले कानून लियांदे ने तिन ये रद्द किए जान तां जो साड़े आने वाले भविख की जिहड़ी जनरेशन आ उहदी जनरेशन है वह सुकून की जिंदगी जी सकन ना कि कारपोरेट घराणियां नूं फायदा पहुँचाउण लई। सो असी आपकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आवाज़ नाल हुज्जा मार रहे हैं गौरमेंट नूं सरकार नूं कि जागे ये कानून रद्द करे तो असी भी आपके घरों नूं सुखी आपके बजुर्गों नूं लैके आईए वापस पिंडां च जो कि दिल्ली अंदोलन कर रहे हैं। तीन एकड़ वाई जी मेरे को छे एकड़ जमीन है। की लगता है किस तरह का मैसेज जाऊगा होर किसानों नूं वी जां केंद्र सरकार इस नाल हल्ली साडा फर्ज बनता जी मैसेज पहुँचाना ये तो सरकार ने देखना भी ना की करना असं आपका अंदोलन जारी रखांगे जिन्ना भी वध चढ़ के असं हिस्सा पावांगे तो तुम देख ही सकते हो कि असं खड़ी कणक फसल वाह दी है जो होर भी लोड़ पई तो वाहवांगे कुरबानी देंगे कुरबानी देनी है जथेबंदियां हुक्म करनियाँ जो उस से असी नितरा खरे उतरांगे। देखो मैं नहीं चाहता भी सारे किसान इस तरह आप सिर्फ मैसेज पहुँचाना है देखांगे जे ना मैसेज पहुँचेगा तो फिर होर भी अगलेरा स्टैप आप चकांगे। ये सरकार कुंभकर्णी जी बहाना बना के नींद सुती पई है ये उठे साडे किसानां नाल साडी जथेबंदी लीडर नाल गल करन तां असी भी सख्त रुख बनाया गलबात राही ये हल होना है। असी नहीं चाहते भी साडी सारी 100% असी होईए लेकिन साडे सरकार टेबल ते आ के साडी जथेबंदियां नाल गल करन ते इहदा हल करन। इहनां दे जिहड़े एम पी ने मिनिस्टर ने वो दिल च बहुत दुखी ने ये सानूं पता लगता साडे भरा ही ने पर जिहड़े आपां कह रहे हैं जिहड़ी टॉप की लीडरशिप है दो तीन वो अड़े खड़े विचों दिलों वो भी कंब रहे हैं पर किसी गल करके अड़े हुए ने जां कि कारपोरेट घराने के प्रैशर थले ने ते जां कोई होर भी कारण हो सकता कोई गल नहीं असी खड़े हाँ अंदोलन च। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। कोरोना महामारी एक बार फिर से सर उठाने लगी है और लोग फिर से लापरवाह होते जा रहे हैं। जनता को इस महामारी से बचाने और जागरूक करने के उद्देश्य से पंजाब पुलिस द्वारा लुधियाना के बाबा थान सिंह चौक पर जो लोग बिना मास्क के यूं ही बाहर घूम रहे थे ऐसे लोगों को पुलिस द्वारा मास्क बांटे गए और साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी गई कि वे बिना मास्क के और बिना वजह यूं ही बाहर ना घूमे और साथ ही जनता को संदेश भी दिया कि इस महामारी से बचने के लिए सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका सभी लोग पालन करें, दो गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और मास्क का उपयोग करें। कृपा करके कोरोना तो बचन लई अपने मास्क लगा के रखो, मास्क लगाने विच ही बचाव है। इहदे बारे ही है सीपी साहब दा हुक्म आया सी कि पहला लोगों को जागरूक किया जाए ये तहत असी एक तो लैके चार बजे विचकार लोगों को जागरूक करने लिए जोड़े है मास्क असी फ्री बन रहे हैं तो ना दस रहे हैं कि भाई हाथ धोने जरूरी ने दूरी रखनी जरूरी है तो मास्क पहनना जरूरी है। उस तो बाद जेकर लोग फिर भी नहीं मनणगे उस तो बाद चार तो लैके सात बजे तक नाकाबंदी की जाएगी जो नहीं करेंगे उसका दिखा जाएगा। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ अमन की रिपोर्ट। लॉकडाउन और कोरोना वायरस महामारी मार गई, बाकी जो कुछ बचा था महंगाई मार गई। पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों का असर घर और कारोबार पर पड़ता देख प्रधान यूथ अकाली दल गुरदीप गौशा की अगुवाई में लुधियाना के रेलवे स्टेशन के पास पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। देखो जी मोदी साहब के भी अच्छे दिन आ चुके हैं, कैप्टन साहब के भी अच्छे दिन आ चुके हैं। जो तेल 27-28 रुपये बैरल का हिसाब लगा जाए, कैलकुलेशन की जाए 27-28 रुपये का पड़ता है, उसमें 32 रुपये टैक्स सेंट्रल सरकार ले रही है और स्टेट सरकार 19 रुपये टैक्स ले रही है, उसके बाद 3 रुपये जो पेट्रोल पंप वाले अपनी कमीशन लेते हैं, तो कर करा के आज 92-93 रुपये पेट्रोल पहुँच चुका है। तो मैं समझता हूँ कि उनके तो अच्छे दिन आ गए, जो कहते थे कि नोटबंदी में हमने 3 लाख करोड़ रुपया कमा लिया, अब कह रहे हैं बाबा जी बोलते हैं रामदेव जी, पहले बोलते थे रामदेव जी कि 35 रुपये वाला पेट्रोल चाहिए ना तो सरकार लेके आनी पड़ेगी। तो अब मैं रामदेव जी से भी विनती करूँगा कि आप आज यू टर्न क्यों ले रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं सरकार को टैक्स चाहिए, नोटबंदी में आपने 3 लाख करोड़ कमा लिया, GST में भी आपने 2 लाख करोड़ कमा लिया, तो अब आपको दिक्कत किस चीज़ की है। तो मैं समझता हूँ कि आज हमने ये पेट्रोल इसलिए किया कि सरकार जागे, क्योंकि लोग आज सभी तरफ तराई तराई हो चुकी है, लोगों के मन में आपका विश्वास खत्म हो चुका है। एक तरफ आप कहते हैं आप जो किसानों की डिमांड है वो तो आप MSP दे नहीं रहे, और जो पेट्रोल है जो 27 रुपये पड़ता है उसको आप 92-93-95 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको 300-400% उस पर मुआवजा चाहिए, मुनाफा चाहिए, तो किसानों को नहीं चाहिए, व्यापारी दुखी है, व्यापारियों को नहीं चाहिए, उसको GST के नाम पर लूटा जा रहा है, मज़दूरों को
आठ घंटे से दस घंटे कर दिया, सभी तरफ के लोग आज परेशान हैं। तो हमने आज सोचा कि प्रोटेस्ट करें, शायद मोदी सरकार के जो अच्छे दिन हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के अच्छे दिन हैं, आम लोगों के भी अच्छे दिन आ जाए। लुधियाना से कैमरामैन मोहन लाल के साथ अमन की रिपोर्ट। आज वाहेगुरु सेवा सोसाइटी की तरफ से 32 परिवारों को राशन वितरित किया गया। इस मौके डिप्टी मेयर श्याम सुंदर मल्होत्रा जी, रमनजीत लल्ली जी, बिट्टू गुंबर जी विशेष तौर पर हाजिर हुए और इनको सम्मानित भी किया गया। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। वाहेगुरु सेवा सोसाइटी की ओर से आज 8वां राशन वितरण समारोह करवाया गया है, जिसमें 31 ज़रूरतमंद परिवारों को राशन सेवा भेंट की गई है और ये कार्य पिछले 8 महीनों से निरंतर चल रहा है। मैं विशाल कृष्ण इस संस्था का मेंबर होने के नाते आज बहुत से धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों से सज्जनों ने यहाँ पर शिरकत की है। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और परमात्मा के चरणों में यही अरदास है कि हे प्रभु, हमसे ऐसे दान पुण्य सेवा के कार्य करवाते रहें और हम समाज में यूं ही ये दान पुण्य के कार्य करते रहें। और एक विशेष अपील है सभी से, लुधियाना निवासियों से, कि कोविड का जो कहर है वो पूरे भारतवर्ष में दोबारा से अपने पांव पसार रहा है, तो कृपया अपने घर से बाहर जाने के लिए मास्क का प्रयोग अवश्यमेव करें, सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्यमेव करें। जय श्री राम। धन्यवाद। वाहेगुरु सेवा सोसाइटी तरफ तो 8वां महीने का जो राशन है अज इन्हें बड़ी श्रद्धा भाव के नाल बुजुर्ग औरतों विडो औरतों गरीबों राशन का सपोर्ट करते हैं। हर महीने बहुत वधिया ढंग ने सारे साथियों नाल लैके, ये बड़ी सेवा भाव का काम है। मैं जो वाहेगुरु का नाम है वाहेगुरु की सेवा सच्चे ध्यान ना लगे है, और गुरु महाराज इन्होंने कृपा करे ऐसा ही बढ़ चढ़ के अपने समाज की सेवा करें। गुरु महाराज का जो नाम है, जो नाम भी जपन और जी सेवा है बहुत बड़ी सेवा है। मैं समझना किसी घर का चूल्हा जलाना काम तो सरकार है, पर साढ़े जो वीर जो समाज सेवा करते हैं, अपने सारे दोस्तों के पैसे इकट्ठे करके आपस में रल मिल के कंट्रीब्यूट करके वो जी सेवा करते हैं, बहुत बड़ी सेवा है। मैं इन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद देना और गुरु महाराज के चरणा अरदास भी करता, गुरु महाराज इन्होंने मेहर पर हथ रखे ये वध चढ़ के होर सेवा करें। जय गुरु महाराज। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज वाहेगुरु सेवा सोसायटी वालों 8वां राशन वितरण करवाया गया, जिस विच बहुत ही शख्सियतों ने भाग लिता। ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ ਜੀ, ਰੋਹਿਤ ਸਾਨੀ ਜੀ, ਬਿੱਟੂ ਗੁੰਬਰ ਜੀ, ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਰੀਪੂ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਹੁਤੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਯੱਗੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਾ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਰਜੇਸ਼ ਕਪਿਲ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਨਰੇਸ਼ ਡੁੱਗਰ ਜੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਸੰਨੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਿੰਨੀ ਟੱਕਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੇ ਸਾਥ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।
आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय श्री नेत्रा।